हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस पर्सी, इट्स मी सोनिया। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो जो हम आज बात करने वाले हैं वो है स्किन टोनर। स्किन टोनर हमारे फेस के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके फायदे क्या क्या है और इसको हमें यूज़ कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ गुड वाइब्स का स्किन टोनर, जो मैं अभी पिछले 15-20 दिन से यूज़ कर रही हूँ और इसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इससे पहले मैं बायोटिक का यूज़ कर रही थी, नॉर्मली रोज़ वाटर यूज़ कर लेती थी और मेरी होममेड रेमेडीज़ मैं ज़्यादा यूज़ कर लेती थी। बट मैंने अभी ये मंगवाया था तो सोचा क्यों ना आप लोगों को रिव्यू के साथ में इसको यूज़ करने के फायदे भी बता दिए जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम बात करते हैं इसके गुड वाइब्स रोज़ ग्लो टोनर की, जिसका एक्चुअली प्राइस है 175 रुपीज़। मैंने ये purple.com से मंगवाया है, जिसका मुझे अराउंड पड़ा था 150, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऑफर्स आते रहते हैं। तो इसकी जो नेट वॉल्यूम है वो है 120 ml। इसमें नो अल्कोहल, नो पैराबेंस, नो सल्फेंट्स। सो येस, इस प्योरली जेन्यून प्रोडक्ट, क्योंकि कुछ भी इसमें ऐसा मिक्स नहीं है जो हमारी स्किन को डैमेज कर दे, हमारी स्किन को बेकार कर दे, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा रफ बना दे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको ज़रूर हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसको मैं 15-20 दिन से ट्राई कर रही हूँ। लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आ रहा है। मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है। वैसे तो पहले से ही टाइट थी क्योंकि मैं टोनर यूज़ करती रहती हूँ। तो येस, तो ये जो टोनर है ये क्लेम करता है कि ये आपके स्किन की जितनी भी डर्ट है वो सारी रिमूव कर देगा, आपके जो पोर्स ओपन है उसको वो ऑफ कर देगा, मिनिमाइज कर देगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इसको लगाने के फायदे हैं कि हमें हमारी स्किन काफ़ी फ्रेश लगेगी, हमारा फेस काफ़ी अच्छा लगेगा, ग्लो आ जाएगा हमारे फेस पर और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा। तो ये सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें इसे यूज़ कैसे करना है। नॉर्मली हमें अच्छे से फेस वॉश करना है, बहुत अच्छे से, जितना भी आप कर सकते हैं। या तो आप क्लीजिंग कर लीजिए, मेकअप है तो आप क्लीजिंग ज़रूर करिए, क्योंकि विदाउट क्लीजिंग आपका मेकअप अच्छे से नहीं निकलता है, क्योंकि हम लोग आजकल प्रोडक्ट सारे वाटरप्रूफ यूज़ करते हैं। तो एक फेस वॉश से आपका पूरा मेकअप नहीं निकलता है, तो आप प्लीज़ उसको अच्छे से क्लींस कर लीजिए अपने फेस को, और उसके बाद आप फेस वॉश या फिर आप मेकअप रिमूवर वेट टिश्यू से भी रिमूव कर सकते हैं। तो हमें इसे यूज़ कैसे करना है? हमें इसको यूज़ करने के लिए हमारी स्किन को पहले क्लीन करना है। अगर आपने मेकअप किया हुआ है तो आप प्लीज़ क्लीज़र यूज़ कीजिए, क्योंकि क्लीज़र से आपकी सारी जो मेकअप होता है वो निकल जाएगा, क्योंकि नॉर्मली फेस वॉश से आपका पूरा मेकअप नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको प्लीज़ क्लीजिंग कर लीजिए अच्छे से घर पर, और उसके बाद फेस वॉश कीजिए, उसके बाद ही कोई चीज़ अप्लाई कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेरा मेकअप रिमूवर वेट टिश्यूज, जिससे मैं अपना पहले अपना पूरा मेकअप निकाल लूँगी। वैसे तो मैंने मेकअप नहीं कर रखा है, नॉर्मली कुछ भी मेकअप नहीं है मेरा, फिर भी मैं क्लीन कर लूँगी, जो भी मेरी डर्ट वर्ट होगी वो तो निकलेगी एटलीस्ट। तो यस, मेरे फेस पे वैसे कुछ भी नहीं था, फेस वॉश करके ही बैठी थी। तो मैंने मेरे फेस को कर लिया है क्लीन, थोड़ा सा इसको ड्राई होने देते हैं, क्योंकि वेट टिश्यूज भी हल्का सा वेट आपके फेस पे आ ही जाता है। अच्छे से इसे ड्राई होने देते हैं। तो मेरा फेस हो गया अच्छे से ड्राई, अब मैं इसको स्प्रे करूँगी। आप चाहे तो इसको टोनिंग करने के भी 3 वेज होते हैं, आप चाहे तो कॉटन पैड की हेल्प से आप कॉटन पे स्प्रे करके फिर अपने फेस पर डैप डैप कर लीजिए, या तो फिर आप हाथ में इसको इसका लिक्विड देके तो आप अपने हाथ से मसाज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इसको स्प्रे कर सकते हैं। मैंने ये इसी ले लिया है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है, ये स्प्रे है, और कभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो इसको बहुत ईजिली से हम अप्लाई कर सकते हैं, पूरे बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, नहाने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, और धूप में जा रहे हैं, सन डैमेज अगर हमने यूज़ कर रखा है सनस्क्रीन यूवी से बचने के लिए, आपकी स्किन डैमेज ज़्यादा ना हो, तो पहले आप इसको स्प्रे कीजिए अपनी पूरी बॉडी पे, उसके बाद आप सनस्क्रीन लगा लीजिए। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे इसके ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि टोनिंग हम लोगों को लगता है कि ऐसे ही है, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं है। इसको टोनिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। हमें नॉर्मली इसको स्प्राई करना है, तो मेक श्योर कि आप अपनी आँखों को बंद कर लीजिए, क्योंकि अगर आँखों में ही चला गया तो आपको ये बहुत ज़्यादा ईच करेगा। मैं इसको नॉर्मली अपने फेस पे आप स्प्राई कर रही हूँ। तो मैंने 3 से 4 बार इसको स्प्रे किया ताकि मेरे हर स्किन के पार्ट्स में चले जाए, अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए।
अब हम इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, उसके बाद ही हमें कोई भी सीरम यूज करना है, मॉइस्चराइज करना है अपने फेस को, अपने फेस पे मेकअप करना है, लेकिन आप टोनिंग जरूर करिए। अब मैं आपको इसके फायदे बताती हूँ। टोनिंग हमारे फेस पे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोनिंग करने से हमारी स्किन जो है बहुत टाइट हो जाती है। आपको टाइटनिंग फेशियल, आपको ये वो बहुत सारी चीज़ें जो करवानी पड़ती है। अगर आप रेगुलर बेस पे टोनर कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं करवानी पड़ेगी। टोनिंग करने से जल्दी हमारी फेस पर झाइयाँ नहीं आती हैं, जो पिगमेंटेशन हो जाती है लोगों के बहुत ज़्यादा, वो ये भी एक रीज़न है क्योंकि हम लोग अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन अंदर ही अंदर डैमेज होकर वो बाहर से फिर आपको दिखाई देती है। आपकी स्किन पिंपल्स आने लगते हैं, आपके ओपन पोर्स हो जाते हैं, आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, तो उन सब से बचने के लिए टोनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोनिंग के बिना आपकी स्किन कुछ भी नहीं है। अगर आप टोनर नहीं करेंगे, आपके पोर्स ओपन रहेंगे, फिर आप मेकअप करोगे, उसके अंदर मेकअप जाएगा आपकी स्किन के अंदर, और फिर आपको पता है इसका रिजल्ट मोटे मोटे दाने, पिगमेंटेशन, स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, रफ आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सब रीजंस ही यही है क्योंकि हम अपने फेस को अच्छे से क्लीन नहीं रखते हैं। क्लीनिंग रखने के लिए आपको बहुत अच्छे से पहले फेस वॉश या क्लीनर करना चाहिए, उसके बाद टोनिंग, फिर आप फेस सीरम यूज़ करिए, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हाउ टू अप्लाई अ फेस सीरम, वो भी आप जाके मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो इसको भी यूज़ करने के बहुत सारे फायदे हैं। हमें नेचुरली लगता है कि नहीं यार, हम सीधा मॉइस्चराइज कर लेते हैं और हो गया। नहीं, टोनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा इसको करूँगी कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है मुझे इसका। जैसे कि मैंने बताया कि मैं 15-20 दिन से इसे ट्राई कर रही हूँ, दिस इज़ टू गुड। नॉर्मली मैं कुकुम्बर का टोनर बना के यूज़ करती थी क्योंकि मुझे फालतू पैसे वेस्ट करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये लिया कि ऑफ़र में मिल रहा था, 100 ज़्यादा अमाउंट नहीं है जिस हिसाब से ये है इतनी बड़ी बॉटल। और ट्रैवल फ्रेंडली, आप इसको अपने बैग में कैरी कर सकते हो, कहीं ट्रैवल में जा रहे हो, आउट जहाँ पर भी आपको इसको यूज़ करना है और ट्रैवल पे जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप इसको ज़रूर कैरी करना क्योंकि आप पूरी बॉडी में जहाँ से भी ये ओपन हो रहा है, जैसे कि ये ओपन हो रहा है, मैं इसको कर लूँगी तो मेरी स्किन बची रहेगी, जो भी गंदगी जो जा रही है वो नहीं जाएगी। इसलिए मिस्ट लगाना और टोनर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। सो यस, तो बस गाइस मेरा आज का यही था वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। साथ ही अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो यार, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।